सभी गरीब कमजोर मध्यम वर्ग के ये सब लोगों के पास सभी मिलके केवल 50% नहीं, और भी नीचे अगर जाएंगे तो उन गरीबों के पास जो एससी है, एसटी है और आदिवासी भाई मेरे और छोटे मोटे कर्मचारी हैं, इनको अगर देखेंगे तो ये सब मिलाए तो उनको 3% उनकी संपत्ति है, देश के संपत्ति में। तो ये हमको सोचना है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने तो दो वायदे किए थे, चाहे वो पैड़ी का हो, एमएसपी बढ़ाने का वो काम हमने किया, और राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों के अकाउंट में सीधा करोड़ों रुपए हमारी सरकार ने ट्रांसफर की, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारी चीजें हमने बनाई, और बाकी का जो हम वायदा किए हैं वो जरूर निभाएंगे, और आपको इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हर जगह हमने जो वायदा किया वो कर रहे हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने करा है, और आप लोगों को खास करके जो मदद मिलना चाहिए वो हम दिलाएंगे। दूसरी बात, ये हमारी खनिज संपत्ति तो एक तरफ लूटी जा रही है, और ये जो देश किस रफ्तार से चल रही है ये सबको मालूम है, लेकिन मोदी ये नहीं चाहते कि गरीबों के हाथ में सत्ता आए। वो अपने आप ही कह देते हैं, मैं गरीब का आदमी हूं, मेरा प्रधानमंत्री बनना लोगों को सहन नहीं हो रहा, ऐसी भाषण करते ही जाते हैं। अब क्या बघेल साहब भी वही बोल रहा, मैं एक बैकवर्ड का आदमी हूं, मेरे हाथ में सत्ता आई है, मुझे सहन नहीं कर रहे बीजेपी वाले, ये तो कभी नहीं बोला। उन्होंने यही कहा, तुमने मेरे को आशीर्वाद किया, वोट दिया, नहीं जो जवान दिया उसके तहत मैं चलूंगा, ये उन्होंने कहा। भूपेल ने वो कहते हमेशा कि मैं गरीब हूं, मेरे को करने नहीं दे रहे, मेरे को गालियां देते। कहीं तो एक भाषण किए उन्होंने यूपी में, क्या कहीं मेरे को अब तक इतने कुंटल गालियां दिए, 91 केजी, यानी इतने कुंटल गालियां दिए कांग्रेस वाले, राहुल गांधी ने, करके ने, लेकिन उतने गालियां खाते भी मैं काम कर रहा हूं। अरे कौन गालियां दे भैया, कोई गालियां नहीं देते। अगर काम आप अच्छा करेंगे, देश के हित में करेंगे, देश के लोगों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे और किसानों के लिए करेंगे, कोई गालियां नहीं देता। लेकिन आप तो झूठ ही बोलते ना, ये मुश्किल है। आप क्या बोले, अगर मैं आऊंगा, इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं आप लोगों को बाहर देशों से काला धन निकालकर आप हरेक के जॉब में, हरेक घर को, हरेक आदमी को 15-15 लाख रुपए देता हूं, ये बोले या नहीं?
बोले तो आपको 15 लाख दिलाए होंगे भूपेश बघेल ने, नहीं दिया ना? तो या तो मोदी झूठ बोल रहे हैं या नहीं तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप लेके झूठ बोल रहे हैं क्या मोदी बगैर दिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखो फिर मैं इसको अगर मैं झूठ कहा, मोदी जी झूठे हैं अगर कहा, फिर क्या इसमें गलती है आप बताओ। मोदी जी ने कहा मैं हर साल युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये सच है नहीं? 2-2 करोड़ नौकरी, अब 2 करोड़ नौकरी सालाना, अब उनका ये 10वां साल चल रहा है, कम से कम 19 करोड़ नौकरियां तो होना चाहिए। तो युवाओं को नौकरियां मिले, फिर मोदी बोल रहा हूं मैं दिया हूं बोल के, और आप नहीं है बोल रहे तो झूठा कौन इसमें मोदी? तो मैं झूठ अगर बोलूंगा उसको झूठा बोलूंगा तो क्यों गुस्सा आना चाहिए? तो जो सच हम कहते हैं वो भी सहन नहीं करते उन लोग, फिर उल्टा बोलते हैं मैं गरीब का बेटा, मैं प्रधानमंत्री बना हूं, मेरी कुर्सी को सहन नहीं कर रहे, और हमेशा गांधी फैमिली को गालियां देते हैं। गांधी फैमिली को क्या भी, क्या कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? क्या कभी प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री थी? क्या सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री की पद स्वीकारा? नहीं, उस घर के लोग कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। लास्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बाद अब ये 40 साल में कोई भी उनके घर में कोई पद नहीं है, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई केंद्र का मंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं। तो ऐसे लोगों को रोज उठ के गालियां देते। तो मैं पूछना चाहता हूं, यही जो बीजेपी की सरकार है आज 10 साल हो गए, यही मोदी साहब गुजरात में 13.5 साल हुकूमत किए, आज ज्यादा कम उनका 24 साल वो हुकूमत में है, क्या गुजरात में उन्होंने गरीबी निकाली है? क्या गरीबों को या छत्तीसगढ़ में जो मदद मिल रहा है सरकार से वो मिल रहा है क्या? अब जाके देखो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगर हम बोले तो बोल हम देखिए मेरे को झूठा बोलते बोल रहे, अब आपके सामने किसानों का 2 गुना मैं आमदनी करके देता हूं, ये बोले या नहीं? कहा 2 गुना है? अरे वो तो एमएसपी के दाम नहीं बढ़ा रहे, यहां कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हर साल एमएसपी बढ़ाते जा रहे, अब तो कितना हो गया 2640, ये तो बढ़ा, हम बढ़ा रहे, कांग्रेस की सरकार बढ़ा रही है, वो हमेशा घटाते रहते हैं, और ऊपर से कहते हैं किसान भाइयों को सब लूट रहे, लूट रहे कौन? आप ही लूट रहे। अब मेरे को खुशी हो गई कि यहां छत्तीसगढ़ की सरकार गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, नर्सिंग से लेकर डॉक्टरी तक, ये सबसे बड़ा कदम है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कॉलरशिप भी जल्दी नहीं भेजती पोस्ट ग्रेजुएट को, यहां तो सरकार आपको वायदा करी है और करके दिखाएगी कि बच्चों का फ्री एजुकेशन होगा,
प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी ढंग से दूसरे चीजें जो बिजली का 200 यूनिट उन्होंने 200 यूनिट फ्री। अब ये इससे बढ़ के बीजेपी वाले क्या कर सकते हैं? परेशान है वो, उसी लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ नहीं मिला उनको, अगर किसी के घर में कागज का टुकड़ा भी मिला लीडर के, उसके ऊपर लिख के उन्होंने ही बोलते ईडी के छापा कुछ लिखा है उस कागज में। तो हमारे लोगों का डर, उनको डराते कैसा? सीबीआई, ईडी, विजिलेंस, किसी और ढंग से उनको। आज का केस नहीं है तो 20 साल पहले का, अगर कांग्रेस नेता के ऊपर कुछ छोटी मोटी केस हो गई भी हो या वो किसी के संज्ञान में भी नहीं है तो उसको पकड़ के केस कर देते हैं। अब एक चार बहुत दिन चलता नहीं। अरे जो आदमी, जो पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, साथ रहेगा, आगे भी साथ हम तुम्हारे रहेंगे। लेकिन ये लोग डरने से हम डरेंगे, हम डरने वाले नहीं है और हमारे नेता लोग भी डरने वाले नहीं है। अरे इस मुल्क को आजादी दिलाते वक्त हमारे लोग कांग्रेस के गोलियां खाए, मरे, सत्याग्रह किए तो हम डरे नहीं। उस वक्त भी हमने देश की आजादी के लिए खुले लड़े। तो ये लोगों कभी लड़े नहीं, इनको सब पोकट में मिला, क्योंकि ये मेहनत तो करे नहीं, बगैर मेहनत से सब कुछ मिला। आज हम लोगों को ही बोलते हैं कांग्रेस को देश का सबसे इसको खराब किया, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा। ये जो उनका एक हमारे ऊपर जो दोष लगाते हैं वो उन्होंने जरा देख लेना चाहिए। और अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहिए, तेंदुपत्ते का दाम अब बढ़ाकर 4,000 रुपए उन्होंने किया। अब ये ऐसी चीजें करने के लिए वो बीजेपी कर नहीं देती, वो सिर्फ अपने बात ही बोलते रहती है। और लघु वन उपज के लिए वो खरीदी 9 गुना बढ़ी है। पूरे देश में सबसे अधिक वन अधिकारी के पट्टे दिए गए हैं, यानी जो जंगल में जो खेती करते हैं या जमीन होती सरकारी, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया वो छत्तीसगढ़ के सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार। किसानों की कर्ज माफ किया और आगे भी करने वाले हैं अगर आपको संकट आया। पूरे देश में धान का सबसे अधिक एमएसपी अगर कहां है वो छत्तीसगढ़। बिजली बिल अभी तो बोले 200 यूनिट कुल माफ, और यहां नड्डा जी आए थे, शायद नड्डा जी आकर कह रहे थे 5 साल से इस छत्तीसगढ़ को ग्रहण लगा। ग्रहण तो उनको लगा 5 साल में, वो हुकूमत में नहीं है, और दूसरों को बोल रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ को ग्रहण लगा है, छुटकारा होने लगा। अगर वो आए ग्रहण ही नहीं, वो कम से कम सुबह शुरू हुआ तो शाम तक ग्रहण लगेगी, छुटेगी नहीं, ऐसा है। तो इसीलिए उनको दूर रखना जरूरी है। और आप लोग एक बार अपना चश्मा घिसना निकाल कर अगर नड्डा साहब, मोदी साहब ये देखे
जिससे आज जो छत्तीसगढ़ का विकास हो गया है वो देख के हैरानी उनको भी होती है। लेकिन क्या करते पाप बेचारे, इतना काम होने के बाद भी अगर छत्तीसगढ़ के लोगों के, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की अगर तारीफ करे तो उनको जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए वो तारीफ करना छोड़ देते हैं। कहां उनको गालियां देना वो उनको सोचते रहते हैं। भाइयों, सारी योजनाएं हमारे आदिवासी बहन और भाइयों को मिल रही है और आदि नियम भी जो जंगल के नियम है, जहां कहीं अगर तकलीफ है उसको भी सुधारने का काम वो करेंगे। पूरे और एक बात उन्होंने कहा अपने नड्डा साहब ने, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के शिलान्यास या उद्घाटन के लिए भी नहीं हमें बुलाया नहीं, ये हमारा उनसे वादा था। हमने कहा उनको कि भाई पहले मोदी जी ने पार्लियामेंट का फाउंडेशन डाला, शिलान्यास किया, उस वक्त के राष्ट्रपति शरण दास थे, उनका हमारे रामनाथ कोविंद साहब, उनको नहीं बुलाए वो फंक्शन में क्योंकि वो अछूत थे, उनको नहीं बुलाए। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के समय नहीं बुलाया क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब है, उनके हाथ से उद्घाटन कराना ठीक नहीं, तो सिर्फ दो ही लोग करते हमेशा, एक मोदी और उनके बगल में रहने वाले शाह, दूसरा किसी को चांस नहीं। और ये खासकर एक एससी एसटी के राष्ट्रपति बनाए लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला किसी एक बिल्डिंग का शिलान्यास करने के लिए। ये है, ये अंदर की बात है, ऊपर को बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, हमने ये बनाया, एससी को ये बनाया, एसटी को ये बनाया। अरे इनके मिनिस्ट्री में एक 10 कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है मोदी जी के, जब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 100 कैबिनेट मिनिस्टर थे, शैलजा जी भी आते थे, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने थे, सिंधे थे, ऐसे 10 कैबिनेट वो बड़े बड़े पोस्ट हुए। अब सिर्फ चॉकलेट के जैसा क्या बोलते, हाँ रेवड़ी बोलो या चॉकलेट बोलो, वो चॉकलेट दिए वाली पोस्ट, लेकिन हमारे पास फुल पावर, किसी को होम मिनिस्टर, किसी को रेलवे, किसी को सोशल जस्टिस, किसी को दूसरा पद, सबको सामाजिक न्याय देने का, सबको संभाले के जाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और आप, तुम्हारे स्वाभिमान के लिए मैं कहता हूं, छोड़िए ये बात कौन सी पार्टी आएगी चाहिए, लेकिन एक बात याद रखो, जो आपने पाया है आदिवासी लोगों में या मैंने जो पाया है, इस पाया हुआ जो भी हमारे पास है इसको खोना नहीं। अगर आप कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे ये सब एक एक करके चले जाएंगे, अब दबाव मालूम हो रहा आपको, तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों को मैं यही एक विनती करूंगा, चाहे कुछ भी हो आप हाथ के निशान में वोट दो और हाथ को मजबूत बनाएंगे तो सब मजबूत बन जाते हैं। ये काम करने के हाथ है, ये सिर्फ फूल पकड़ने के हाथ नहीं है, हमारे हाथ जो है, हमारा पंजा जो है, ये काम करने का पंजा है, फूल पकड़ने का नहीं। और
अरे भाई हाथ हमारे साथ ही है, कहां भी जाओ, लेकिन गुलाब का फूल क्या मुरझाता है? एक से दो घंटे चार घंटे ठीक रहता है, तोड़ते ही झाड़ से चले जाता है। इसीलिए आप उधर मत देखो, इधर देखो, इसको देखकर आप वोट डालो। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारा जो वोट है ये सिर्फ जात पात पे नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर। अगर आप हाथ पर बटन दबाएंगे, गरीबों की हुकूमत आएगी, हम आपका साथ देंगे। हम बघेल साहब को भी कहेंगे या इस मंच पे बैठे हुए कांग्रेस नेताओं से कहेंगे, देखो भाई गरीब लोग तो आपको वोट दिए हैं, जो वायदे आपने किया उसको निभाओ। निभाएंगे अगर नहीं तो कल के दिन मुश्किल होगा, हम खुद उनको बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो मोदी के नजदीक ही नहीं जाते ना, कोई मंत्री बोलते भी नहीं, सांस भी नहीं ले सकते उसके सामने, दूर रखना पड़ता। ये सब दूरदर्शन, नजदीक दर्शन नहीं होता, सब दूरदर्शन रहता मोदी जी का। यहां तो तुमसे मिलने वाले हैं, भाई बोलते हैं, बहन बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं, अपा, और आप भी प्रेम से उनको बोलते हैं चाचा का, काका। ये तुम्हारा काका यहां बैठा है और मोदी उधर बैठ कर कभी आता है तो इतना लंबा रहता है उसका, उनके वर्कर को भी दूर से दर्शन देता है। वो दूरदर्शन निकल गया लेकिन अभी भी है, दिखता नहीं क्योंकि बहुत से टीवी आए हैं। तो ये जो है, आप लोग हमारे पार्टी को मजबूत करो, सब मिलकर चलेंगे और ये जो काम होगा वो जल्दी हो रहा है। और ये जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई तो इतनी हो गई, कैश भी नहीं मिल रहा। और एक बार मुझे याद है दिल्ली में कैश की कीमत बहुत महंगी हो गई थी, उसी इश्यू पे सरकार गिर गई थी, दिल्ली की सरकार गिर गई थी। अब वही नसीब आया कि ये कैश भी महंगा, तेल भी महंगा, पल्सेस भी महंगे, बीज भी महंगे, फर्टिलाइजर भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, हर चीज आज महंगा होते जा रहा, बढ़ते जा रहा है इसकी कीमतें। इसीलिए ऐसे सरकार को हम नहीं रखना है। अब ये सरकार मोदी जी की सरकार है, इसीलिए मोदी जी आकर हमेशा कहते हैं, वो रमन सिंह को मत देखो या दूसरे किसी को मत देखो, बीजेपी के वर्कर को, मेरे को देख के वोट दो बोलते हैं, बोलेंगे आपके पास। ये मोदी को देख के वोट, अरे मोदी को आप जितने बार देख रहा भाई, म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में तुमको ही देखना, जिला पंचायत इलेक्शन में तुमको ही देखना, एमएलए इलेक्शन में तुमको ही देखना, एमपी इलेक्शन में तुमको कितने बार देखना, क्या तुम 10 जगह तुम्हें हुकूमत चलाने वाले हो? यहां की हुकूमत अलग है, दिल्ली की हुकूमत अलग है, जिला पंचायत की हुकूमत अलग है, लेकिन वो कहीं भी जाते वो पूछते हैं, इस मोदी को देखकर आप वोट दो। क्या मोदी जिला पंचायत की कुर्सी पे जाके बैठेंगे या मेयर के कुर्सी पे बैठेंगे, क्या छत्तीसगढ़ में आके बैठेंगे, कहां जाते? यानी इसका मतलब एक आदमी डिक्टेटर, मैं हूं, मेरे को देखो, मुझे वोट दो। अरे भाई ये तो डेमोक्रेसी है, यहां राजे महाराजे चले गए, मैं बोलने वाले चीफ मिनिस्टर चले गए। तो इसीलिए ध्यान रखो, ये जो गवर्नमेंट है आने वाली कांग्रेस की है, इसीलिए कांग्रेस का साथ दो, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे जो भी वायदे हमने किए हैं उस वायदे को पूर्ति करने के लिए आप
हमारा साथ देंगे, ऐसा मैं आज से कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैं एक स्लोगन बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना चाहिए। तब तक कांग्रेस की सरकार है जब तक, वरना वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोधन ले आए है तब तक कांग्रेस के सरकार है जब तक, वरना अमन तो एला मुफ्त के रेवड़ी कथे। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धन्वंतरी स्टोर में दवाई मन में 72% की छूट कब तक? कांग्रेस सरकार है जब तक, बाकी ओमन तो एला मुफ्त की रेवड़ी समझते। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे अच्छे से काम करो, अरे जल्दी करो। दाऊ जी, मुझे भी काम मिलेगा क्या? क्यों, तुम्हें भी पट्टा नहीं मिला क्या? इस कांग्रेस सरकार से तो मुझे पट्टा नहीं मिला। क्यों भाई, आप लोगों को मिला क्या? नहीं, इन लोगों को तो पट्टा नहीं मिला, आपको मिला क्या? अब नहीं सही वो बदल के रही वो। माँ का दुलार और पिता का मान होती है एक बेटी, भाई की शिकायत और घर की जिम्मेदारी होती है एक बेटी, सास ससुर की सेवा और घर की लक्ष्मी होती है एक बेटी। इन्हीं बेटियों के त्याग, समर्पण और जीत की कहानी देखिए हमारे खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में, सिर्फ साधना न्यूज पर, शनिवार शाम 7 बजे और रविवार रात 8 बजे। धान के सबसे अधिक दाम और किसानों को बोनस है तभी तक कांग्रेस की सरकार है जब तक, क्योंकि वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। फिर आएंगे उसके पास 138 फुट। बिजली बिल आधा पूरा किया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार यानी भरोसा। ले देख ले, विज्ञापन दिखावा थे बिजली बिल ला आधा करे के, बिजली बिल के तो पता नहीं फिर बिजली ला जरूर आधा कर दिस, कतका धोखेबाज है ना ये कांग्रेस सरकार है। बस अब हमन आओ ये सरकार के बहकावा में नहीं आवन। आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। बता तो सही, अब क्या सरप्राइज है? बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा दादी माँ, आप इधर आइए। आप खोलिए, टेन टेन देगा आपने, आपकी रसोई की जगह मेरे मॉडर्न किचन ने ले ली। अरे वाह, तूने तो पूरा किचन जवान बना दिया। हाँ दादी माँ, सब कुछ बदल दिया लेकिन एक चीज नहीं बदली। वो क्या दादी माँ? घी, प्योर श्योर घी। सब कुछ तो बदल सकता हूँ,
पर अपने दादी माँ की पहली